जो न केवल एक साइंटिस्ट थे बल्कि एक पॉलिटिशियन भी थे। एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट बने इन 2002 और इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च, डिफेंस में एक नए मुकाम पर ले गए। तो उन्होंने अपने चाइल्डहुड बचपन के बारे में बताया है जो एक किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा गया था। वो कहते हैं कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तमिल फैमिली में, एक टाउन रामेश्वरन में जो मद्रास स्टेट में था। उनके फादर का नाम जैन उलाब्दीन था जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और ज्यादा अमीर भी नहीं थे, लेकिन इन सब चीजों के ना होने के बावजूद उनके पास कुछ अच्छे गुण थे। ही पोजेस्ड विजडम, वो समझदार थे, एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, यानी वो बड़े दरिया दिल दयालु भी थे, और उन्हें हमेशा सपोर्ट हेल्प करने वाली उनकी माँ थी आसी अम्मा। वो कहते हैं कि उन्हें तो मालूम भी नहीं कि हर दिन उनकी माँ कितने लोगों को खाना खिलाती थी, लेकिन हाँ बाहर के लोग ज्यादा होते थे जो उनके घर पे खाना खाने आते थे उनके घर के लोगों के मुकाबले। अब वो अपने बारे में बताते हैं कि वो कहते हैं कि वो भी दूसरे बच्चों में से एक अच्छे बच्चे थे। वो छोटे लड़के थे जिसके लुक औरों से कुछ अलग थे। उनका जन्म सुंदर और टॉल फैमिली में हुआ था जहाँ के लोग लंबे हुआ करते थे। वो लोग अपने एंसिस्टर के घर में रहते थे जो 19th सेंचुरी में बना था। उनका ये घर लाइमस्टोन और ब्रिक से बना हुआ था जो एक पक्का हाउस था जो मस्जिद वाली गली में था रामेश्वरन में। उनके फादर कंफर्ट्स और लग्जरियस चीजों से दूर ही रहते थे, लेकिन उन्हें यानी कलाम जी को हर एक सुविधा नेसेसिटी जो सुविधाएं होती थी वो दी गई थी। फूड, मेडिसिन, क्लोथ, सब चीजों को कहा जाए तो उनकी लाइफ में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, ना पैसों की और ना ही किसी के प्यार की। सब लोग उन्हें काफी ही प्यार भी करते थे। जब वो सिर्फ 8 ईयर्स के थे तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से अचानक से टामरिंड सीड जो इमली का सीड होता है उसकी डिमांड इतनी अचानक क्यों बढ़ गया था। तो वो उनके सीड को जमा करते थे और प्रोविजन शॉप में जो मॉस्को गली के पास था वहां ले जाके बेच दिया करते थे और सारे सीड के बदले उन्हें एक आना मिल जाया करता था। तो उनके जो ब्रदर इन लॉ थे जलाउद्दीन उनको स्टोरी सुनाते थे वॉर के बारे में। वो उन बातों को दीनामणि के हेडलाइन में भी पढ़ने को मिल जाया करते थे। उनका एरिया ज्यादा अफेक्टेड नहीं हुआ था इस वॉर के वजह से क्योंकि वो थोड़ा अलग हट के था बाकी दूसरे जगहों से, लेकिन जल्द ही इस वॉर में इंडिया को भी शामिल कर लिया गया और एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम तब आया जब ट्रेन को रद्द कर दिया गया जो रामेश्वरन से आया करता था। सारे न्यूज़पेपर को उस ट्रेन से फेंक दिए जा रहे थे रास्ते पर जो रामेश्वरन से धनुषकोडी के बीच में पड़ता था। तो इस वजह से उनके कजन शमसुद्दीन को प्रॉब्लम हो गया क्योंकि वो न्यूज़पेपर बांटते थे और अब इन्हें एक और लोग की हेल्प चाहिए था उन न्यूज़पेपर को कलेक्ट करने के लिए, और इसमें उन्होंने यानी खुद कलाम जी ने हेल्प किया और शमसुद्दीन ने उनका फर्स्ट कमाई करने में हेल्प किया। तो वो कहते हैं कि उन्हें 50 इयर्स बाद भी उन्हें ये गर्व होता है कि उन्होंने खुद पैसे कमाए थे, यानी कलाम जी को 50 सालों के बाद भी उन्हें ये गर्व था कि उन्होंने फर्स्ट टाइम खुद पैसे कमाए थे। तो हर चाइल्ड जो इस दुनिया में जन्म लेता है उन सब में अपना ही अलग का एक क्वालिटी होता है जो इन सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट में जन्म लेता है, और फिर बड़े लोग उन क्वालिटीज के हेल्प से उन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। उन्हें ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन उनके फादर से मिलता था और मदर से गुडनेस एंड डीप काइंडनेस की क्वालिटी मिली थी, और ये क्वालिटी उनके बाकी के और तीनों भाई बहनों में भी था। और उनके तीन करीबी दोस्त भी थे, रामानंद शास्त्री, अरविंद एंड शिवप्रकाशन, जो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। जब तक वो लोग छोटे बच्चे थे तब तक उन लोगों में रिलीजियस को लेके कोई डिफरेंस भेदभाव नहीं हुआ। और तो और जो रामानंद शास्त्री थे वो लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था जो रामेश्वरन टेम्पल की हाई प्रिस्ट थे। बाद में खुद रामानंद शास्त्री अपने पापा का प्लेस ले लिया उसी टेम्पल में। जो सेकेंड दोस्त था अरविंद, उसने एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस स्टार्ट किया जो वहां के टेंपल को विजिट करने वाले लोगों को ले जाता और ले आता था। और थर्ड फ्रेंड शिव प्रकाशन कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया साउदर्न रेलवे के लिए। तो जब वहां श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी होती थी तो उस सेरेमनी के लिए उनके फैमिली यानी कलाम जी के फैमिली बोट अरेंज करते थे विद स्पेशल प्लेटफॉर्म ताकि मूर्ति को अच्छे से ले जाया जा सके टेम्पल से मैरिज हॉल तक, मैरिज साइट तक जो बीचों बीच था एक पॉन्ड का, रामा
स्थिर था जो ठीक उनके घर के पास था। उनकी माँ और दादी दोनों ही उन्हें भगवान राम या प्रोफेट हो दोनों की कहानियां सुनाया जाता था एज अ बेडटाइम स्टोरी। वो बताती हैं कि एक बार जब वो फिफ्थ स्टैंडर्ड में थे तो उनके स्कूल में एक न्यू टीचर आए। वो एक टोपी पहनते थे, यानी कि कलाम जी अपने बारे में बता रहे हैं कि वो एक टोपी पहनते थे जिससे कोई भी अगर देखे उन्हें तो ये बता सकता था कि वो एक मुस्लिम है। और वो हमेशा आगे के बेंच पे बैठते थे रामानंदा शास्त्री के बगल में, जो एक जनेऊ सैक्रेड थ्रेड पहना करता था। ये चीज उस न्यू टीचर को पसंद नहीं आया कि एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की के साथ बैठा हुआ है, और सोशल रैंकिंग के मुताबिक उनके टीचर ने उन्हें यानी कलाम जी को सबसे पीछे बैठने को कहा। ये सुन उन्हें और रामानंद शास्त्री को काफी दुख हुआ। उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि वो कितना बिलो कास्ट के हैं कि उन्हें सबसे पीछे बैठा दिया गया है, और इस बात पे उन्हें आंसू भी आ गए थे जिसे वो आज भी याद करते हैं। उनके उस बातों का उनके दिल पे आज भी असर है, कलाम जी के दिल पे आज भी असर है, और कलाम जी ये बात अपने ऑटोबायोग्राफी में बता रहे हैं। अब वो कहते हैं कि स्कूल के बाद वो लोग अपने घर गए और इस इंसिडेंट के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया। लक्ष्मण शास्त्री ने तुरंत उस टीचर को बुलाया और कहा कि तुम इस तरह से भेदभाव का बीज किसी में नहीं डाल सकते कि तुम कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो। और टीचर को कहते हैं कि या तो तुम उस बच्चे से माफी मांगो या फिर इस आइलैंड और स्कूल को छोड़ के चले जाओ। तो लक्ष्मण शास्त्री के बातों का उस टीचर पे एक पॉजिटिव बिहेवियर में चेंज आया, एक पॉजिटिव बिहेवियर में चेंज हो जाता है और टीचर ने उस बच्चे से माफी भी मांगते हैं। कलाम जी फिर कहते हैं कि उनके जो साइंस टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर और उनकी वाइफ इन सब के अगेंस्ट थे, और उनका ये कोशिश रहता था कि इन भेदभाव के बाउंड्री को हटा दिया जाए और सब साथ रहें। वो कलाम जी के साथ घंटों तक साथ रहते थे और उन्हें कहते थे कि तुम इतने बड़े बनो, डेवलप करो इतने अच्छे से कि तुम शहर के बड़े लोगों के साथ उठ बैठ सको। एक दिन उनके टीचर ने उन्हें खाने पे बुलाया, लेकिन उनकी वाइफ इतनी डर गई थी ये देख के कि एक मुस्लिम लड़का उनके इतनी पवित्र रिचुअल किचन में बैठ के खाना खाएगा, और उन्होंने उन्हें यानी कलाम जी को खाना देने से मना कर दिया। इस पे जो साइंस टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम जी, वो अपने वाइफ को कुछ नहीं कहते हैं बल्कि वो खुद अपने हाथों से कलाम जी को सर्व करते हैं और उनके बगल में खाने के लिए बैठ जाते हैं, और उनकी वाइफ किचन के पीछे से छुप के देख रही होती है ये सब कि कलाम जी ये सोचते हैं कि वो क्या देख रही होंगी कि वो कैसे खाते हैं, पानी कैसे पीते हैं, या फिर खाना खाने के बाद फ्लोर को कैसे साफ करते हैं, इन सब में उन्होंने क्या डिफरेंस को नोटिस किया होगा। फिर जब वो जाने लगते हैं तो फिर शिवा सुब्रमण्यम जी ने उन्हें अगले सप्ताह फिर से डिनर के लिए इन्वाइट करते हैं, लेकिन उन्हें लगा कि मैं यानी कलाम जी झिझक रहा है तो वो कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं, जब तुम सिस्टम को चेंज करना चाहोगे तो ऐसी प्रॉब्लम तो आएंगी ही। फिर जब दूसरी बार वो खाने पे गए तो सर की वाइफ ने खुद कलाम जी को किचन में ले गई और अपने हाथों से मील सर्व किया। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो चुका था और इंडिया के आज़ाद होने का समय आ गया था, और गांधी जी ने कहा कि भारतवासी अपना देश इंडिया खुद बनाएंगे, यानी इंडियन विल बिल्ड देयर ओन इंडिया। फिर कलाम जी ने अपने फादर से ये परमिशन लिया कि वो अपना पढ़ाई दूसरे हेडक्वार्टर रामनाथपुरम में जाके पढ़ाई कर पाएं। ये सुन उनके फादर ने कहा तुम्हें अगर बढ़ना है तो तुम्हें जाना होगा, और कलाम जी की मॉम की तरफ देखते हुए कहा कि तुम्हें बच्चे सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, तुम्हारे बच्चे सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, ये बच्चे इस जिंदगी के लिए हैं जो सिर्फ उनके हैं। वो तुम्हारे जरिए आए हैं लेकिन तुमसे नहीं आए हैं,